इसका आपको काफी टाइम से वेट था। स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। जो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा एनवायरमेंट, सेकंड सब्जेक्ट होता है हमारा होता है पॉलिटी, थर्ड सब्जेक्ट होता है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फोर्थ है हमारा आर्ट एंड कल्चर, फिफ्थ है हमारा पॉलिटी और सिक्स सब्जेक्ट जो है वो है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, सेवन सब्जेक्ट है हमारा सोशल इश्यूज और एट सब्जेक्ट जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स। स्टूडेंट्स जो हमारा करंटली PT365 आया है वो है पॉलिटी का और जैसे जैसे PT365 आते जाएंगे मैं इसका रिव्यूज आपके साथ शेयर करती हूं। 2022 में जो PT365 आया है तो इसमें क्या क्या न्यू चेंजेस हैं, क्या क्या न्यू अपडेट्स हैं और साथ इसमें कंटेंट क्या क्या दिया हुआ है, इसकी क्वालिटी कैसी है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या न्यू है। तो आइए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले PT365 का पॉलिटी जो है हमारा May 2021 से January 2022 तक का करंट अफेयर्स। आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये हमारे यहाँ पे पॉलिटी एंड कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूशन दिए हुए सारे कंटेंट हमें यहाँ पे दिए गए हैं लाइन से, यहाँ सारा हमें यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं फाउंडेशन कोर्स जनरल स्टडीज 2023 इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशंस दिया हुआ है हमें यहाँ। आप देख सकते हैं इसकी पेजेस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मुझे यहाँ पे पेपर का वाटर मार्क बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है और साथ ही मैंने इसे कहाँ से परचेज़ किया मैं आपको बताती रहूँगी। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करती रहिएगा, बिल्कुल भी अपने पढ़ाई को लेकर आप बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आपको PT के बारे में बता दिया, इसका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो आप लोग प्लीज़ इसे पढ़िए और देखिए इसमें क्या क्या न्यू आपके लिए भी आया है। साथ ही सब लोग इसके साथ साथ इसके साथ एक न्यू बुकलेट भी आई है, आपको वो भी दिखा देती हूँ। जो नेक्स्ट बुकलेट है वो है हमारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट डाटा फैक्ट्स फिगर्स फॉर मेंस 21। आप देख सकते हैं इसमें भी यहाँ पे सारा हमें कंटेंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला इकोनॉमिक्स डाटा के साथ, तो प्योर ऑफ इकोनॉमिक्स। आप देख सकते हैं स्टूडेंट इकोनॉमिक डाटा पेपर थर्ड इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे डायग्राम हमें यहाँ पे दिए गए, नंबर वाइज हमें यहाँ पे सारी सीरीज दी गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सारे ये डायग्राम दिए गए हैं, सारे कंटेंट हमें यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत ईजी होगा हमें इसे पढ़ने में और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आ रहा है इसमें। इसके फिगर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है पेजेस की और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा, मुझे भी पढ़ना है इसे अब अच्छे से। इसके अंदर हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट दिया गया है, बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम्स यहाँ पे दिया गया है, बैंकिंग थ्रू दिया गया है हमें, पेमेंट सिस्टम एग्रीकल्चर दिया गया है, एसेट्स क्वालिटीज एंड मैनेजमेंट दिया गया है हमें, सारे यहाँ पे मेन मेन टॉपिक्स हमें अच्छे समझाए गए हैं। आप स्टूडेंट क्वालिटी का PT आ चुका है तो आप इसे परचेज कीजिए, इसे पढ़िए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए और जो भी आने वाले सब्जेक्ट का PT होगा वो मैं उसका रिव्यूज आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। और साथ ही मैंने इसे कहाँ से परचेज किया है वो मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स मैंने इसे UPSC ऐप से परचेज किया है, आप वहाँ जाके इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, साथ ही जो आने वाला जो सब्जेक्ट आएगा वो वहाँ से डायरेक्टली आपके होम तक आपको डिलीवर हो जाएगा और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो मेरे रिव्यूज़ में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स है आपको, तो मैं आपको वो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेगी मैं उसे सॉल्व आउट कर लूँगी। ओके, थैंक यू।